ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद लोगों से मुलाकात करना आम लोगों के लिए बेहद दुष्कर होता जा रहा है। यहाँ बिना पैसों के लेन देन के लोग अपने परिजन से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति पैसे जेल प्रहरियों को दे देता है वो अपने परिजनों से जल्दी मुलाकात कर लेता है, नहीं तो अन्य लोग सुबह से शाम तक यहाँ धक्के खाते रहते हैं। इसका ताजा उदाहरण अपने परिजन से मिलने गए एक युवक ने पेश किया है। इस युवक के परिजन जेल में बंद, उसका कहना था कि यहाँ बिना पैसे लिए कोई भी काम नहीं होता। उसने बाकायदा अपने मोबाइल से रिश्वत देने का वीडियो भी बनवाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही अधिकारियों के कान खड़े हुए। जेल प्रबंधन ने इस जेल प्रहरी सत्येंद्र हर्षाना को आनंद फानन में सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और यदि जेल कर्मी पर रिश्वत लेने के आरोप सही पाए जाते हैं तो आरक्षक के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिस जेल आरक्षक का वीडियो वायरल हुआ उसका नाम सत्येंद्र हर्षाना बताया गया। वीडियो के वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप है। पूर्व में जेल में मोबाइल फोन और नशे के पदार्थ मिलते रहे हैं लेकिन कई दिनों से यहां जिला प्रशासन की छापेमार कार्रवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि इस जेल में कई खूंखार कैदी और विचाराधीन कैदी भी बंद हैं। मैं आया था ग्वालियर जेल पे, देखिए ग्वालियर जेल है तो इधर मैं आया था तो मुलाकात यहां बिना पैसे के किसी से कोई मुलाकात नहीं होगी। कोई नियम और कानून तो है ही नहीं और जिसमें लोग कहते हैं कि यहां नियम और कानूनों से मुलाकात चल रही है। यहां जो पैसे देता है उसकी मुलाकात होती है, चाहे वो कोई भी हो, गरीब इंसान हो, बिना पैसे के कोई मुलाकात नहीं है। और जो नाम लिखवाता है वो लेट मुलाकात करेगा, जो पैसे देगा वो सबसे पहले मुलाकात करेगा, चाहे वो कोई भी आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, बिना रजिस्टर्ड के आप अंदर जाके जेल मुलाकात कक्ष में पैसे दे के अपनी मुलाकात कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अभी हमें आपके ही द्वारा मालूम हुआ है कि इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है, देखा है, मुलाकात पे रही है, ले रहा है तो उसको सस्पेंड कर दिया है। क्या नाम है इसका? सत्येंद्र हर्षाना। किस एवज में पैसे ले रहा है, क्या डिमांड किया? जो भी रहा हो जांच में मालूम पड़ेगा किस वजह से ले रहा है, वो जांच होगी, नगर मंत्र विभागीय जाँच होगी तो उसमें। कब से पदस्थ कब से? लगभग तीन वर्षों से। तो क्या प्रथम दृष्टया देखने में क्या लग रहा है, किस तरीके से पैसे मांग रहा है, किस चीज़ के पैसे मांग रहा है, मुलाकात को लेकर कुछ पैसे का डिमांड कर रहा है? अब जो भी हो जांच में ही आएगा सही तो जी, अब इसमें अपन क्या कह सकते हैं। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।